मध्य प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कार्यालय पर 24 घंटे के लिए पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में चल रहा राजनीतिक टकराव अब सड़कों पर आ गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को बीजेपी कार्यालय में जमकर हंगामा किया, जिसने राजधानी भोपाल की सियासी तपिश को और बढ़ा दिया है। बीजेपी कार्यालय में हुए हंगामे के बाद अब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा घेरा बनाया गया है। पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। हंगामे की आशंका के मद्देनजर पुलिस कंट्रोल रूम में अतिरिक्त फोर्स को अलर्ट पर रखा गया है। मौके पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। पीसीसी पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे डीआईजी इरशाद वली ने बताया कि यह बैरिकेटिंग एहतियात के तौर पर की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि बुधवार को बीजेपी कार्यालय में हुए हंगामे को लेकर दो लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बिना परमिशन लिए अचानक से जो है कोई ग्रुप ना आ जाए, कोई धरना जुलूस ना आ जाए और आने पर किसी को किस तरह की चोट ना पहुंचे, इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर में ऐसे बैरिकेडिंग्स लगाते हैं ताकि किसी भी तरह से जो भी प्रदर्शनकारी है या पुलिस वाले हैं या किसी दल, उसका नाम नहीं ले रहा, अगर कोई भी प्रदर्शन करेगा तो उसके लिए बता रहे कि प्रदर्शनकारी अगर आते हैं तो कहीं से किसी को चोट ना पहुंचे, व्यवस्थाएं प्रॉपर रहे, इसलिए ऐसी तरह की बैरिकेडिंग करवा। आपको बता दें कि बुधवार को बीजेपी कार्यालय में हुए हंगामे के बाद बीजेपी नेताओं ने पीसीसी में हंगामे की चेतावनी दी थी। इसी चेतावनी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया है। किसी तरह के हंगामे की स्थिति ना बने, इसलिए पुलिस अफसर भी अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।